पालघर जिले के नालासोपारा संतोष भवन में विराट ग्रुप नामक गैंग ने लोगों का जीना हराम कर रखा है। नशेड़ी लड़कों ने ग्रुप बनाकर लोगों के साथ मारपीट की है। आपको बता दें कि ये मामला सीसीटीवी में कैद हो गया है, जहां दिखाई दे रहा है कि किस तरह से एक ग्रुप में शामिल 10 लोग वहां रहने वाले लोगों को पूरी तरह से मार रहे हैं। बता दें, मारपीट के दौरान एक व्यक्ति बुरी तरह से घायल हो चुका है, उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। वहीं 4 लोग जख्मी हैं। इस सीसीटीवी में आप देख रहे होंगे कि किस तरह से ये लोग पाइप और लकड़ी की मदद से लोगों को पूरी तरह से पीट रहे हैं। तो लिंच पुलिस ने विराट ग्रुप के सभी लोगों के ऊपर 307 कर मामला दर्ज कर लिया है और 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। अभी बाकी के सारे लोग फरार हैं। आरोपी जितेंद्र यादव और धर्मेंद्र यादव में दोनों सगे भाई हैं। इनके ऊपर तुलिंज पुलिस में पहले भी मामले दर्ज हैं। पुलिस ने बताया कि फरार आरोपी को जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। दिनांक 10 अप्रैल को तरुणों के 2 गुटों में मुठभेड़ हुई और उसमें 5-6 तरुण जख्मी हो गए और दूसरे ग्रुप के तरुणों के खिलाफ हमने गुना दाखिल कर दिया है। वजह उनका तत्कालीन कुछ कारण हुआ है, उसके बारे में हम लोग जांच कर रहे हैं। अभी तक जो मेन कारण अभी तक हमारे सामने नहीं आया। सर, कोई वजह नहीं था, उसको मार रहे थे तो वो मेरे पास, मेरे तक दौड़ के आया, मेरी बाइक गिराया, मेरे को भी मारे। कुछ नहीं, मैं बाइक से जा रहा था। हाँ, पहले बाइक पर रोड मारा, मैं गिर गया बाइक लेके, मुझे दौड़ाए, मैं उधर से भागा, हाँ उनका गट से मुझे मारने लगे। मुंबई से राहुल कामली की रिपोर्ट।